एक दिन बैकस्टेज रोमन रेंज का इंटरव्यू चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर अचानक से ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर जो हुआ उसे देखने के बाद आप भी शॉक हो जाओगे। ब्रॉन स्ट्रोमन इंटरव्यू के बीच में आके रोमन रेंज को मारने लगते हैं और वो रुकते ही नहीं है, बुरी तरह रोमन रेंज को मारते ही जा रहे थे। और तभी ब्रॉन स्ट्रोमन को रोकने के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और रेफरी भी आ जाते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन उनकी बात नहीं सुनते हैं और रोमन रेंज को एक बॉक्स पर खतरनाक सा रनिंग पावर स्लैम दे देते हैं, जिससे रोमन रेंज की हालत बहुत बुरी तरह खराब हो जाती है और वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इसलिए उनके लिए एक स्ट्रेचर मंगाया जाता है और फिर रोमन रेंज को सभी मिलकर स्ट्रेचर पर ले जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर से ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं और उस स्ट्रेचर को एक ऊंची जगह से नीचे गिरा देते हैं, जिस वजह से रोमन रेंज की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। और ब्रॉन स्ट्रोमन के वहाँ से जाते ही सभी लोग फिर से रोमन रेंज को स्ट्रेचर पर लेटाकर एम्बुलेंस में ले आते हैं, लेकिन एक बार और ब्रॉन स्ट्रोमन फिर से वहाँ आ जाते हैं और इस बार तो ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी ताकत के दम पर पूरी एम्बुलेंस ही पलट देते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन ने रोमन रेंज के साथ ऐसा क्यों किया, आप कमेंट बताओ।